नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों को साझा मूल्यों पर आधारित बताया। मौसम विभाग ने ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। केंद्र ने कई राज्यों में बिक्री के लिए टमाटर का मूल्य घटाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक प्रमुखों की तीसरी बैठक कल गांधीनगर में शुरू होगी। मीरपुर में 3 एकदिवसीय मैचों की महिला क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश ने भारत को 153 रन का लक्ष्य दिया। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज कार्लोस अल्कराज का सामना नोवाक जोकोविच से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने अपने एक ट्वीट में कल संपन्न हुई अमीरात यात्रा का वीडियो साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने भारत से चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर टिप्पणी के लिए अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को धन्यवाद दिया और कहा कि चंद्रयान की सफलता पूरी मानव जाति के हित में होगी। श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत और फ्रांस के दीर्घकालिक संबंध साझा मूल्यों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति का वीडियो रीट्वीट करते हुए कहा कि फ्रांस की हाल की यात्रा सदैव उनकी स्मृतियों में रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग को भारत के चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई के लिए धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री के ट्वीट के उत्तर में कहा कि चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता के लिए शुभ है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने कल एक ट्वीट में चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रक्षेपण ज्ञान विज्ञान के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की सोच और वचनबद्धता को दर्शाता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कल बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में कल 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। बैंकिंग क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा के उपयोग से संबंधित 2 समझौते हुए। इनका उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना और भुगतान तथा संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है। शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली का परिसर खोला जाएगा। गुजरात में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक से पूर्व आज गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गिफ्ट सिटी में बुनियादी ढांचा निवेश संवाद के उद्घाटन सत्र में कहा कि पर्यावरण के प्रति सजगता और सामाजिक प्रगति से आर्थिक विकास और निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता, अच्छा वित्तीय प्रबंधन, दक्ष कार्यबल और अनुकूल कारोबारी वातावरण ही गुजरात की 2 दशकों की विकास यात्रा की नींव है। श्री पटेल ने भारत और विदेश के G20 प्रतिनिधियों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों को अगले वर्ष प्रस्तावित वाइब्रेंट समिट में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक कल गांधीनगर में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट। G20 की तीसरी वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की FMCBG बैठक के हिस्से के रूप में आज सुबह बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर जॉन कनलिफ की उपस्थिति में सीमा पार की भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तेज भुगतान प्रणालियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। दोपहर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक निवेशक संवाद, गोलवेज परिषद और कर संगोष्ठी में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा श्रीमती सीतारमण अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया समेत कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। G20 देशों के मंत्री स्तर की 2 दिवसीय FMCBG बैठक कल से गांधीनगर में शुरू होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भूमि सम्मान प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार 9 राज्य सचिवों, 68 जिलाधिकारियों और उनकी टीम को प्रदान किया जाएगा। इन जिलों में भू अभिलेखों के पूर्ण डिजिकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि राज्य के राजस्व और पंजीकरण अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पहला मौका है जब अधिकारियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भूमि सम्मान प्रदान किया जा रहा है। चालू वर्ष को भूमि सम्मान स्थापना वर्ष के रूप में भी माना जाएगा। भूमि सम्मान योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र राज्य सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भू अभिलेखों के डिजीकरण और पंजीकरण से भूमि विवाद से जुड़े अदालती मुकदमों की संख्या कम होगी और मुकदमों के कारण लंबित परियोजनाओं से देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को हो रहा नुकसान भी कम होगा। समाचार कक्ष से मनोज। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने टमाटरों की कीमत में फिर से कटौती की है और अब इसकी बिक्री 90 रुपए के बजाय 80 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी। एक रिपोर्ट। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 500 से अधिक बिक्री केंद्रों की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद आज से टमाटर की बिक्री 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में नेफेड और NCCF के जरिए टमाटरों की बिक्री शुरू हो गई है। बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कल से कुछ और शहरों में बिक्री शुरू की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार सरकार की पहल के बाद टमाटरों के थोक मूल्य में कमी आई है और सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वचनबद्ध है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। श्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में फिर शामिल हो गई है। श्री राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी की पूर्व सहयोगी है। श्री राजभर ने गृहमंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की है। श्री शाह ने ट्वीट कर श्री राजभर का NDA परिवार में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्री राजभर के शामिल होने से उत्तर प्रदेश में गठबंधन की स्थिति मजबूत होगी। श्री राजभर ने कहा कि इस निर्णय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री की, गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। हम देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक भागीदारी की रजत जयंती मना रहे हैं और दोनों देशों के बीच ये भागीदारी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और सुदृढ़ीकरण के सशक्त आधार पर बनी है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत और फ्रांस अपने रक्षा सहयोग का दायरा बढ़ाएंगे और उन्नत वैमानिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग के लिए युद्धक विमानों के इंजन को संयुक्त रूप से विकसित करेंगे। श्री पुरी ने कहा कि श्री मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्यूचर इंडिया एंड फ्रांस विल एक्सटेंड देयर ग्राउंड ब्रेकिंग डिफेंस कोऑपरेशन इन एडवांस्ड एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजीज बाय सपोर्टिंग द ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ ए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन। दे ऑल्सो सपोर्टेड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन फॉर मोटराइजेशन ऑफ हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स अंडर द इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम विद साफरान हेलीकॉप्टर इंजन फ्रांस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज पीएम मेगा समेकित वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क पीएम मित्रा पार्क का अमरावती में वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल, वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। पीएम मित्रा पार्क के आशय पत्र पर एक समारोह में भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर पीएम मित्रा पार्क के निवेशकों ने भी हस्ताक्षर किए थे। इस वर्ष मार्च में भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मित्रा पार्क बनाने के लिए स्थलों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन जैसे कि फार्म से, फाइबर से, फैशन से, फॉरेन से प्रेरित पीएम मित्रा पार्क भारत को वस्त्र विनिर्माण और निर्यात को कार्य रूप देने में प्रमुख अग्रिम कदम साबित होगा। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये कार्यक्रम 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिकी शिक्षा में भाषा की बाधा को खत्म करने और देश की युवा शक्ति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है।
43 भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी मंगोलिया के साथ सैन्य अभ्यास के लिए रवाना हो गई है। इस अभ्यास को नोमैडिक एलिफेंट नाम दिया गया है। ये दोनों देशों के बीच 15वां सैन्य अभ्यास होगा। ये अभ्यास राजधानी उलान बाटोर में कल से 31 जुलाई तक चलेगा। संयुक्त अभ्यास का आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच सकारात्मक माहौल बनाना और सर्वोत्तम कार्यशैली का आदान प्रदान करना है। अभ्यास के दौरान पर्वतीय इलाकों में आतंकरोधी अभियान पर विशेष बल दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में व्यापक वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 4 दिनों तक भारी वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन और छत्तीसगढ़ में कल कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना है। उधर पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में भी अगले 5 दिन तक छिटपुट रूप से भारी वर्षा की आशंका है। गुजरात में 19 जुलाई को तेज वर्षा के आसार हैं। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक में 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और माहे में भी 18 और 19 जुलाई को मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जनामणि ने कहा कि उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में कोई वार्निंग नहीं है। उत्तराखंड के लिए ओनली हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ऑरेंज अलर्ट आज के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लिए, उड़ीसा में जैसे बहुत सारे स्टेशन जो है 120 मिलीमीटर तक रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। दिल्ली में अप टू 12 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर रिपोर्ट हुआ है, लाइट रेनफॉल हुआ है सर। और दिल्ली के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा नेक्स्ट 2 डेज। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और बिहार, उत्तर प्रदेश, उसमें रेन कम हुआ है और उसके लिए ओनली येलो अलर्ट है। बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल की नदियों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण अररिया जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वर्षा के कारण बकरा, नूना, रतवा, परमन और भलोई नदियों ने अररिया जिले के पलासी, कुर्साकांटा, सिकटी और जोंकीहाट के तटबंधों, सड़कों और डायवर्जनों को काफी नुकसान पहुंचाया है। अररिया पिपरा तटबंध को हुए नुकसान से कई गांवों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से टेलीफोन पर बातचीत की और दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। श्री वीके सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की जनता के हित में हर संभव कार्य करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 6 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। 3 अन्य कांवड़ियों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये घटना मेरठ जिले में भवानपुर के राली चौहान गांव में हुई, जब कांवड़ियों का वाहन बिजली तार की चपेट में आ गया। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। मीरपुर में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 153 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 43 ओवर में 152 रन पर सिमट गई। वर्षा के कारण मैच 44 ओवर का कर दिया गया है। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज कार्लोस अल्कराज का मुकाबला मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच से होगा। स्पेन के कार्लोस सेमीफाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर पहली बार विम्बल्डन फाइनल में पहुंचे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को उसकी रक्षा में और अधिक ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब चंद्रयान 3 एक ऐसी कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है जो पृथ्वी से निकटतम है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि यह अंतरिक्ष यान सामान्य तरीके से काम कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों को साझा मूल्यों पर आधारित बताया। मौसम विभाग ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। केंद्र ने कई राज्यों में बिक्री के लिए टमाटर का मूल्य घटाकर 80 रूपये प्रति किलोग्राम किया।
G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक प्रमुखों की तीसरी बैठक कल गांधीनगर में शुरू होगी। मीरपुर में तीन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 153 रन का लक्ष्य दिया। और विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज कार्लोस अल्कराज का सामना नोवाक जोकोविच से हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।